गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा, संत जना मिल पाईऐ रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा, एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया रविया विच वणा, सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, जुगो जोगे अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज साहब जियां दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माण रही गुरु की संगत आप संगतां ने, सतगुरां दी इलाही गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते। ये उस कीर्तन की दात साड़ी झोली विच पई है, जिस कीर्तन की दात नूं गुरु नानक साहब पातशाह जी ने आप अपने मुख तो बख्शिया। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जियां दे नाल भाई मरदाना जी जिस वेले रबाब नूं छेड़दे सन, ते गुरु नानक देव महाराज जी आप शब्द गा के गुरबाणी दा आप भी आनंद प्राप्त करदे, जिहड़े सुणदे उहनां नूं भी आनंद प्राप्त होंदा। ऐसी गुरबाणी दे नाल सानू सतगुरां ने जोड़िया, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे ईहां ऊहां जो काम तेरे, लोक ते परलोक दे वे जिहड़ा तेरे काम आवे। ऐसी है कीर्ति, ऐसी है वडियाई परमात्मा दी जो आप संगतां ने कीर्तन दे रूप दे विच सरवण कीती है। अज जिथे सानू नवा महीना प्राप्त होया, उथे नाल नाल नवा साल भी अज सानू प्राप्त होया। जिस तरह ईसवी कैलेंडर दे मुताबक जनवरी तो नवा साल मनिया जांदा है, ते दसंबर दा महीना साल दा अखीरला महीना है। इस तरह फगण दा महीना जो है वो साल दा अखीरला महीना है, अते चेतर दा महीना जिहड़ा अज सानू प्राप्त होया है, ये जो साडा कैलेंडर है देसी कैलेंडर बिक्रमी जो कैलेंडर है, ये उहदा पहला महीना ये सानू अज प्राप्त हो रहा। गुरु अर्जन देव महाराज दियां ने उस कैलेंडर दे मुताबक 12 महीनों का उपदेश जिहड़ा बख्शिया चेतर दे महीने तो सतगुरु जियां ने इस बाणी नू प्रारंभ किया है। आप संगतां नू खालसे दे नवे साल दी लख लख वधाई होवे। असीं होरना मतां दे त्यौहारां दे नाल ते जुड़े होए आ, जिस तरह असीं क्रिसमस मना लैंदे आ जां दूजे किसे धर्म दा नवा साल मना लैंदे आ, असीं अपने धर्म दे जिहड़े दिन त्यौहार ने उहनां नूं भुलदे जा रहे, उहनां तों दूर हुंदे जा रहे। अज बहुत थोड़े वो गुरमुख लोग होणगे जिन्हां नूं इस गल का पता होवेगा भी अज साडा भी नवा साल है, नहीं तो बहुतिया नूं इस गल का पता नहीं है। ये अज दे महीने दे नाल ये नवा साल सानू प्राप्त होया है, ते नाल नाल चेतर दा महीना जिसनूं चेत दा महीना भी आखिया जांदा सानू मिलिया है। गुरु अर्जन देव महाराज जी बाणी नूं रचनहार ने। एक दिन संगतां ने सिखां ने बेनती की महाराज दियां नूं, ये सतगुरु जी इहो जी सौखी बाणी उचारण करो, असीं घरे बैठे आ बाणी पढ़ीए सानू समझ आ जावे। क्योंकि पहले समय विच जिहड़े ज्योतिष मत वाले ने ना, ज्योतिष दे ग्रंथ पढ़न वाले, उन्हां दा भाव इह सी भी जे महीने दा नाम किसी चंगे बंदे तो सुनीए, धार्मिक बंदे तो, बाणी पढ़न वाले तो जे महीने दा नाम सुनीए ना बंदगी करन वाले तो, ते फिर जिहड़े माड़े ग्रह ने वो सीधे हो जाते, उन्हां दा असर नहीं पैंदा। ये ज्योतिष मत वाले कहिंदे ते उन्हां दे प्रभाव थले आ के, उन्हां दे प्रचार थले आ के एक आम ही गल बन गई कि मेरे मैनू महीने दा नाम
कोई धार्मिक व्यक्ति सुनावे ता कि मेरे ग्रह भी सिद्धे हो जाए। सतगुरां ने सानू इस भरम दे विचों कढ़न वास्ते कि तुहानू किसे कोल जा के महीने का नाम सुनने की लोड़ नहीं है, असी तुहानू बाणी इहो जी दे के जावांगे, अपने आप ही पढ़ोगे ते उहदे विचों तुहानू उपदेश मिलेगा, तुहाडा भला हो जाएगा, तुसी मुक्त हो जाओगे। ऐसी दात बख्शदियां होया गुरु अर्जन देव महाराज जीआं ने ये जो महीने हन ये सानू बख्शे, महीने विच की करना चाहिदा ये भी सानू उपदेश बख्शे। गुरु अर्जन देव जीआं ने बाणी रची है अमृतसर की पवित्र धरती ते दरबार साहब के सरोवर के कंडे मंजीहाल महाराज जी बैठे सन। उस स्थान का नाम ही मंजी साहब ही है। उत्थे बैठ के महाराज जिया ने यह बाणी बख्शी है। तो सतगुरु पातशाह महाराज जी बाणी का उपदेश देन तो पहला सानू ये दसते ने बेनती किवें करनी है। जदों असी गुरु को आउंदे आ असी गुरु नू आके उलांभा दिंदे आ, असी गुरु को आउंदे आ परमेश्वर नू उलांभा दिंदे आ, असी घरे बैठियां भी उलांभा दिंदे आ, रस्ते ते जांदियां भी उलांभा दिंदे आ, हर वेले परमात्मा नू उलांभा ही दिंदे, तू ये क्यों नहीं किया, मैनू ये क्यों नहीं मिलिया। जिन्ना चिर तू उलांभे दिंदा रहेगा, जिन्ना चिर उहदा विरोध करदा रहेगा, प्राप्ति कोई नहीं होनी, क्योंकि परमात्मा किसे दा नहीं विगाड़दा। प्रभ घालिया किसे का एक तिल ना गवाई, तू एक निक्का जिहा भी चंगा काम कीता तेरी वो चंगे काम दा कीता होया एक तिल जिन्ना भी परमात्मा अपने कोल रखेगा नहीं, तैनू उहदा फल देवेगा। जे परमात्मा तेरे निक्के जिन्ने काम दा भी तैनू फल दे सकदा, तो जे तेरे ते वड्डा दुख आया इहदा मतलब ये है तू वड्डा पाप कीता, वो वड्डे पाप की सज़ा तैनू ये मिली है। उन्हें जानबूझ के नहीं दिती है, जानबूझ के नहीं वो किसी का विगाड़ता, क्योंकि वह किसी नाल वैर नहीं करता। जपजी साहब का पाठ करन वाले आ गुरु क्या सिखा, जदों जपजी साहब का पाठ शुरू करदा शुरू विच बचन आउंदा निरभौ निरवैर, परमात्मा निरवैर है, उहदा किसी नाल वैर नहीं है। साडे मन विच ये गल आ जाती है भी मैं बीमार हो गया हाँ रब मेरे नाल वैर करदा पिया, मैं कोई काम शुरू किया मेरा चलिया नहीं, रब ने मेरे नाल वैर किया। सतगुरु पातशाह कहिंदे सिधांत नूं भुल गया, परमात्मा दा किसे नाल वैर है ही नहीं, क्योंकि वैर हुंदा बराबर दे नाल, ते साडी रब नाल की मुकाबला, असी किधरों किहड़े पासिओं परमेश्वर दे बराबर। साडे नाल वैर करके उहने अपने आप दी निरादरी करवाउणी है, असी किसे पाणी हारनी, साडे नाल उह वैर क्यों करेगा। वैर बराबर वाले नाल है, पर परमेश्वर सब तो वड्डा है। अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं किश पारा वारा, बहुता कही है बहुता होए, इन्ना वड्डा है इन्ना वड्डा है, तेरी जुबान उस वड्डे का कथन ही नहीं कर सकती, फिर तेरे नाल वैर वो क्यों करेगा। पर साडे मन विच ये गल घर कर गई है, ये मन बैठ गई है चंगी तरह गल भी मेरा कुछ ये दुख मैनू आ गया, मुसीबत आ गई है, रब मेरे नाल वैर करदा पिया। पर गुरबाणी कहिंदी उह निरवैर है, किसे नाल वैर नहीं करदा। जे उह वैर नहीं करदा फिर साडे ते दुख आया, मेरे ते दुख आया, तेरे ते दुख आया, वो तेरे कीते कर्मां दा। ददा दोस ना देऊं किसे, दोस कर्मां अपने। महाराज ने समझाया बंदिया दूजे नूं लांभा देण तो पहला, दूजे नूं माड़ा कहण तो पहला ये सोच भी मैं कोई माड़ा कर्म किया ते तां मेरे अगे आया। दुनिया का बहुत वड्डा राजा होया धृतराष्ट्र, कहण लगे बड़ा धर्मी राजा, बड़ा चंगा राजा, पर जदों राज भाग का मालक बनया तो अन्ना है, अखां तो दिसदा नहीं। हुण सोचण वाली गल ये है कि कर्मा बिना राज नहीं मिलता, जे पिछले जन्मां विच चंगे कर्म किए तो ता ही राजा बनया ना, सारे क्यों नहीं राजे बन गए। सतगुरु महाराज जिया का वचन है एक निहाली पै सवन एक उपर रहन खड़े, दो बंदे ने, एक बंदा वह है जिहड़ा पलंगे ते सुता होया आराम नाल, दूजा बंदा वह है जिहड़ा सोटा फड़ के उहदा पहरेदार खलोता गेट ते, एक सुता पिया एक जागदा पिया, एक ठंडी हवा दे विच आराम करदा पिया एक दरवाजे ते बाहर मच्छर लड़ाउंदा पिया दुखी होया बैठा। बंदे दोने ही ने पर कर्मां दा फर्क है, एक दे कर्म इन्ने चंगे ने
कि वह राम कर्मा का आनंद लेंदा पिया। एक दे विचारे दे कर्म नहीं चंगे सन, उहदा सेवादार बनिया, उहदा गोला बनिया होया। दोने आदमी ने पर दोनों के जीवन जीवन का फर्क है। किवें फर्क है? जिहो जिहा कर्म किते उहो जिहा सुख है। हुण जे राजा बनिया तो उहनूं किन्ने सुख मिलदे होणगे, ते जे राजा बनिया सुख लैंदा पिया, इहदा मतलब इह आ वी उहने कम बड़े चंगे किते कर्म ते तां राजा बनिया। उहदे मन विच सवाल इह आ गया वी जे मैं राजा बनिया चंगे कम करके फिर मैं अन्ना क्यों हाँ, मैनूं अखां क्यों नहीं रब ने दित्तियां। जे अखां नहीं मिलियां इहदा मतलब है वी मैं माड़ा कर्म किया। जे राजा बनिया तो इहदा मतलब इह आ वी चंगा कर्म किया। जे राजा बनना सी अन्ना क्यों आ, जे अन्ना आ तो राजा क्यों बने। इन्हें सवाल किया समय के अवतार नूं, भगवान कृष्ण जी नूं पुछण लगा, कहन लगा मैं अन्ना क्यों आ, मैनूं राज मिलिया मेरे चंगे कर्मा करके, अन्ना किस कर्म करके होया। तो उन्होंने आख्या तू कई जन्म पिछे नूं चला जा, 100 जन्म तो भी वध पिछे नूं चला जा। तू किसे निके जै जीव दियां अखां कढ़ियां सन, कंडा मार के सूल मार के, किकर दी सूल मार के तू किसे दियां अखां कढ़ियां, अन्ना कीता तू, उहनूं अन्या कीता। तेरे उस कर्म दी सज़ा परमात्मा ने तैनूं इत्थे दित्ती है लिया के। तेरे अन्ने करन दा कर्म भी खत्म नहीं होया जिन्ना चिर तू भोगेगा नहीं, ते चंगे किते कर्म दा भी फल उन्ना चिर खत्म नहीं होवेगा जिन्ना चिर तू भोगेगा नहीं। चंगा कर्म भी भोगना पैना, माड़ा कर्म भी भोगना पैना। ददा दोष ना दिउ किसै, दोष कर्मा अपनिया। जे दुख मुसीबत आ गई है, कष्ट आ गया तेरे अपने किते कर्म दा, सतगुरु पातशाह कहन लगे जो मैं किया सो मैं पाया, जिहो जिहा मैं करांगा ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਦਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਦਨੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। तो कह लगे एक दिन शाम का समा मीह पैंदा पिया, एक ग्राहक आ गया तो सदने कसाई नूं कह लगा भी मैनू थोड़ा जिहा मास चाहीदा, मेरे घर विच परौणे आ गए, रिश्तेदार आ गया, मैं सेवा करनी। मन विच सोचदा है सदना कसाई जे ग्राहक नूं मोड़दा आमदन नहीं होवेगी, जे ग्राहक नूं मास दिंदा आ जिहड़ा मैं हुण जीव मारांगा, मान लो बकरा ही मारांगा, तो सवेर तक तो बकरे का मास वेचण दे योग नहीं रह जाणा, सवेरे इहदा पूरा मुल नहीं मिलना। गाहक मोड़न नूं जी नहीं करदा अते बकरा मारन नूं भी जी नहीं करदा। सोचण लग पिया की करां। सोचदिआं सोचदिआं मन विच विचार आ गई, मैं बकरे की एक लत्त वढ दिंदा। लत्त वढ़िआं बकरा किहड़ा मर चलिआ, सारी रात तड़फदा रहेगा, रोंदा रहेगा। बकरा किहड़ा मेरा रिश्तेदार लगता, रोवेगा तो मैनू की है, जानवर ही है। असी आम ही जानवरों नू मारदे आ ना, कुटदे आ, दर्द देंदे, दुख देंदे। मन ने सोचिया लत्त वढ के नाले इहदे कोलों पैसे वटा, बाकी दा सवेरे वेच लवांगा। जदों अपनी छुरी लै के कुहाड़ी लै के लत्त वढ़न दा इंतजाम कर लगा ना, नेड़े होया, कहन लगे को एहो जिहा कर्म अगे आ गया बंदगी वाला, एहो जिहा कर्म अगे आ गया कोई चंगा। बकरे ने कहन लगे इस नूं आख्या, कहन लगा सदनिया पता नहीं तू किन्ने जन्म कसाई बनिया, ते किन्ने जन्म मैं कसाई बनिया, किन्ने जन्म तू बकरा बनिया, किन्ने जन्म मैं बकरा बनिया, कदे तू मैनू वढ़दा रहा, कदे मैं तैनू वढ़दा रहा, आपां एक दूजे तो बदला लैंदे, कर्मां नूं बराबर करदे करदे पता नहीं किन्ने जन्म लै, एक झटके नाल मारिया कम खत्म हो गया। पर अज तू मेरी लत्त वढ़ेगा, मैं सारी रात तड़फांगा, रोवांगा, पर चेते कर जदों तैनू इहदा हिसाब देना पिया उदों मैं भी ते तेरी लत्त वढ़ांगा ना, किसे जन्म दे विच तेरा हाल की होवेगा, तैनू किन्नी कु पीड़ होवेगी, तैनू किन्ना कु दुख होवेगा, वह गल नू चेते कर ते फिर मैनू वढ़ ला। जदों ये गल सुनी ना, अपने अपने आप के उपरों पीड़ नू महसूस किया भी जे मेरी लत्त को वड्डे दे की बनेगा, वो कुहाड़ी वो छुरी सब कुछ उत्थे ही सुट दिता, तो चल पिया घर छड के, फिर बंदगी की रब की।
ਤੇ ਭਗਤ ਬਣਿਆ। ਭਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਦਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬਾਜ ਨੂੰ। ਆਪ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਰ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਜ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨੇ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਾਮਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਨਿਬੇੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਖਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਮਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਖਿਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਵਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਬੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਾਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਖਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਉੱਠ ਪਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਉਹ ਭਲਿਆ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਪਰਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਮਣੀ ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਮਣੀ ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਫ ਦਿਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਫਲ, ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਾਂਭਾ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਰਾਂ ਮਹਾ ਮਾਂਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀ ਛੁੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਜ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹੈ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਿਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਇਆ ਲੱਭੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੌਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਏ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਕੋਨਾ ਨੇ, ਅਗਨ ਕੋਣ ਵੈਣ ਕੋਣ, ਚਾਰ ਹੀ ਕੋਨਾ ਨੇ, ਚਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਲੱਸ ਅੱਠ, ਨਾਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੋਏ ਬਣ ਕੇ, ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ, ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
जे एक काम वार वार करना पवे तो आप आखते ना मैं थक गया, वार वार नौकरी ते जाना पाया कि मैं तो थक गया नौकरी करदा करदा, मैं तो रोटी पकाउंदा पकाउंदा थक गया, मैं तो घरे झाड़ू लाउंदा लाउंदा थक गया, एक काम रोज़ करना पवे तो थक जाईदा। महाराज जन्म लैंदिया लैंदिया कदे किहड़े पासे सुट्टदे हो, कदे किहड़े पासे सुट्टदे हो, जन्म लै लै के थक गया। हुण समझ आई है जे परमात्मा दी शरण पवांगा तो तां छुटांगा, थक आए प्रभ की साम, तेरी शरण विच आया थक के। तो महाराज कहन लगे चार कुंट, चार कुंट तो भाव चार खाणियां, कदे असी आंडियां तो पैदा होए, मुरगे बन के सप बन के, हुण मुरगे दा जन्म भी तो आंडे चो होया, सप दा जन्म भी तो आंडे चो होया, चिड़िया कबूतर वगैरह आंडियां तो पैदा होंदे, कदे आंडियां तो पैदा हो के दुनिया ते आए हैं, कदे जेर तो पैदा हो के वछे कट्टे बन के, बैल बन के, पशु बन के, चीते बन के, शेर बन के, मनुख बन के दुनिया ते भी आए हैं। सानू जेर तो भी कई कई जन्म मिले ने, कदे असी पसीने तो पैदा होए ते कदे असी मिट्टी तो पैदा होए, पता नहीं किन्ने कु जन्म लैके दुनिया ते अज असी थक गए हैं। महाराज तां तुहाडी शरण विच आए, साडे ते कृपा करो। तेन दुधा ते बाहरी कित नयाव का, जेड़ी गां दुध नहीं ना दिंदी उहनूं घरे रखदा कोई नहीं, डंडा मार के लोग घरों बाहर कढ दिंदे भी इन्हें चारा ही खाना, तूड़ी खावेगी, वंड खाएगी, घा खाएगी, देना तो इन्हें कुछ है नहीं, डंडा मार के बाहर कढ़िया। ये जिहड़ा साडा शरीर है गऊ दे वांग ही है, गऊ वत सानूं शरीर मिलिया, पर जे निष्काम कर्मां दा दुध नहीं ना साडे कोल होवेगा तो फिर इस शरीर रूपी गऊ दा की करना। निष्काम कर्मां दा दुध की है, कर्म करना पर निष्काम रहना, कर्म करके नहीं भी मैनू आ मिले। दुनिया दे लोग की करदे, ढेली दे के ते हवेली दी मांग करदे, मंगते ने मंगया ना पैसा गड्डी खिलार के मैनू दान कर, रुपया दिता तो हुण कन्न ला लै चंगी तरह भी मैनू किहड़े किहड़े वर दिंदा, मैनू कहेगा भी तू राजा बन जा, मैनू कहेगा तेरी गड्डी वड्डी हो जावे, दिता तो आना मंगदा उहदे कोलों वध है भी वड्डी मैनू दवा देवे। काम तो एक निक्का जिहा कीता पर उहदा फल बड़ा वड्डा, चाहुंदा वड्डा फल मिले। महाराज कहन लगे कर्म करदा निष्काम हो के करिया कर, कर्म दे विच इच्छा ना रखिया कर भी मैं अज गुरुद्वारे झाड़ू फेरिया तो मैनू जांदियां नू ये मिल जावे, मैं अज कोई भांडा मांज लिया, कोई लंगर बना लिया, किसी गरीब का तन ढकिया, किसी गरीब नू जोड़ा दिता तो मैनू ये मिले। निष्काम हो के करेंगा तो तां शरीर रूपी गऊ तेरे काम आउणी है, जे निष्काम हो के नहीं तो फिर जिन्ने को पैसे खर्चे उन्ना को स्वाद लै लिया, भोग भोग लिया तो फिर नाल कुछ नहीं लैके गया। तेरा उस गां वाला हाल है जिहड़ी गां दुध नहीं देंदी उहनू रखदा कोई नहीं है, फिर परमात्मा भी तैनू रखेगा नहीं, उहनू पता भी जिन्ना को इहने खाधा उहना को इहने फल भोगिया है। जल बिन सा कुमलावती उपजै नहीं दाम, पानी तो बिना खेती सुक जाती है, उस खेती दे दमड़े नहीं वटे जाते, सुकी खेती नू मंडी विच लै जाओ कोई नहीं खरीदेगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे तेरे शुभ गुणा की खेती जिहड़ी है प्रेम रूपी जल तो बिना सुक गई है, इहदे हुण दमड़े नहीं वटे जाणगे, मुक्ति रूपी दमड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम दा जल पाया ही नहीं, जबान विचों प्रेम ते कदे निकलिया ही नहीं। जिन जिहबा दित्ती बोले तात, रब ने जबान दित्ती सी मिठे बचन बोल, ते मैं ते गाल तो बिना किसे नूं बोलदा नहीं, मैं ते जबान दे नाल जिन्ना चिर अगले नूं मिलणा ना बारा मैनूं ते स्वाद ही नहीं आउंदा, मैं तो जिन्ना चिर किसी का मन ना दिखावा उन्ना चिर आनंद आउंदा ही नहीं। तेरी जुबान दे विच प्रेम है नहीं तो मुक्ति का दमड़ा कितों मिलेगा। जिन्हां ने इस जुबान दे नाल मिठा बोलिया, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां, जिन्हां ने ऐसा मिठा बोलिया मिठा बोलन वाले मुक्ति का दमड़ा पाउंदे हन। हर नाहा न मिलिए साजनै कत पाइए बिसरा, जिहड़े पति रूप परमेशर नूं नहीं मिलणगे उन्हां नूं कदे टिकाणा नहीं मिलेगा, कदे नहीं रुक सकणगे, जिंदगी दे गेड़े विच आउंदे जांदे रहिंदे हन। जित कर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम, जिन्हां दे हिरदे विच परमेशर नहीं ना प्रगट होया, पाठ नगर से ग्राम, नगर दे वांग वड्डे वड्डे शरीर, भारे भारे, मोटे मोटे, लंबे लंबे, तगड़े तगड़े शरीर, तगड़े शरीर भी किसे काम नहीं आए जे परमेशर नू नहीं पा सकिया।
ग्राम तो भाव है छोटे शरीर, छोटे कद, माड़े शरीर। वह माड़े शरीर भी किसी काम नहीं आए जे परमेशर नहीं पा सकिया। नगर तो भाव है देवत्या का शरीर, उन्होंने देवत्या के शरीर भी काम नहीं आए जेडे परमेशर पा नहीं सके। वो वेख उन्हना नजर ना आवै बहुता है हो वडान। तो पातशाह कह लगे वह शरीर भावें व्डा है तो भावें छोटा, तगड़ा है तो भावें माड़ा, वो तो भट्ठ वांगू सड़दा ही पिया वकारां दे विच जिन्हें रब नूं नहीं पाया है। रब सिगार तंबोल रस सण देही सब खाम। जिन्हें शिंगार किते पाना दे बीड़े चबाए, जिन्हें भी शिंगार किते, जिन्हें भी रस कस लै, ये सारे खाम दुख देने वाले जे परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कर पाया। प्रभु स्वामी कंत विहुणिया मीत सज्जन सब जाम। महाराज बख्शिश कर दे, ऐस दुनिया की उदाहरण है जिस इस्त्री का पति चढ़ाई कर जावे, विधवा हो जावे, जां जिहदा पति छड़ के चला जावे, उस औरत वास्ते उहदे रिश्तेदार, उहदे साक संबंधी भावें पेके आंदे ने भावें सहुरे आंदे ने, वह जमां तो घट नहीं, हर गल ते मेहणा मारनगे, हर गल ते दुखदा ही वचन करनगे, हर गल का फायदा ही उठाउणगे। इहदा पति इहदे सिर ते नहीं है, इहनू मजबूर करो मजबूर होण वास्ते, इहनू मेहणा मारो, इहदे नाल लड़ाई करो, इहनू ठग लो जिवें ठगिया जांदा। पति नहीं सिर ते, ते जनानी दा लोकां ने शिकार किया, उहनू बेवस किया, उहनू दुखी किया, पति नहीं है साडा की करेगी। पातशाह कहिंदे इसे तरह जिन्हां दे सिर ते पति परमात्मा नहीं है, जिन्हां दे सिर ते अकाल पुरख नहीं है, जिहड़े अकाल पुरख दे नहीं बने, उन्हां जीवां नूं फिर कदे कोई शराफ दे जांदा है, उन्हां नूं कदे कोई बदसीस दे जांदा है, उन्हां नूं कदे कोई चौके नरकां विच सुट दिंदा है, उन्हां नूं कदे कोई चौके बिपता विच सुट दिंदा है, क्योंकि दुनिया जानदी है इहदे सिर ते पति परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा दा बनिया ही नहीं। फिर देवते भी शराफ देन लग पैंदे, फिर दुनिया के निके मोटे जिहड़े जादूगर ने जादा टूनी करन वाले वह भी शराफ देंदे, वह भी बदसीसा देंदे। क्यों देंदे? वो जानदे ने ये गल भी इस दे सिर ते परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा दा नहीं बनिया है। नानक की बेनतिया कर कृपा दी जय नाम। बेनती कर, महाराज मेरा तरला ये है, मैनू नाम दी खैर मेरी झोली पौना करो। हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका निचल धाम। बेनती कर, अकाल पुरख जी मैनू अकाल पुरख दी प्राप्ति करवाओ, सतगुरु जी मैनू अकाल पुरख दी प्राप्ति कराओ। केड़ा अकाल पुरख? जिहदा घर सदा रहण वाला है, जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा, जिहड़ा परमात्मा कदे मुकदा नहीं, जिहड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा, ऐसे परमेशर दी मैनू प्राप्ति करवा दिओ। ये गुरु अगे आ के बेनती करिया कर। असी दुध मंगदे हाँ, पुत मंगदे हाँ, दुनिया के पदार्थ मंगदे हाँ, नौकरी मंगदे हाँ, धन मंगदे हाँ, पर ये नहीं मंगदे परमात्मा मैनू तू मिल जावे, ये मैनू दात देना कर। जेत गोविंद आराधिया होवे आनंद घना। ये पहली पौड़ी दे विच महाराज ने सानू बेनती करन दी जाच दसी है। बच्चा स्कूले पढ़दा है ना, उन्हूं पहले दिन लिखना कोई नहीं आउंदा, पर पढ़ाउण वाला टीचर उहदा हाथ फड़ के ते पहला अक्षर पा के दिंदा, उन्हूं पता भी इहनूं अपने आप नहीं मैनू दसना पैणा। पहले दिन उन्हूं खड़ना नहीं आउंदा, पहले दिन उन्हूं बोलना नहीं आउंदा, पर दस्या जांदा। इस तरह साडे गुरु ने साडा टीचर बन के सानू पहला बेनती करन दी जाच दसी है भी बेनती किवें करनी है तां कुछ मिलेगा। हुण जिहड़ा अज महीना सानू मिलिया ना, चेतर दा महीना, चेत दा महीना, हुण इहदा उपदेश देंदे कहन लगे चेत गोबिंद आराधी है। असी चेते करते हैं रिश्तेदारां नूं, सानू साडे सारे रिश्तेदार चेते ने, किन्नू कदों फोन किया सी, किन्ने सानू माड़ा किया सी, किन्नू मैं माड़ा किया, सानू सब चेते है, किहदे तों मैनू की मिलिया, किन्नू मैं की दिता, चेते है। रिश्तेदार भी चेते ने, सानू मित्र भी चेते ने। पर महाराज कहन लगे ओ भाई प्यारिया, दुनिया ते मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाय।
जिन्हां रिश्तेदारां नूं कहिंदा ना मेरी माँ है, बाप है, पुत्र है, भरा है, चाचा ताया है, ये पिछले कर्मां दे करके तैनूं मिले ने, अंत वेले इन्हां ने सहायता कोई नहीं करनी, तू चेते जरूर करदा मेरा फलाना रिश्तेदार फलाने पिंड विच बैठा है, फलाना रिश्तेदार फलानी कुर्सी ते बैठा है, अज ऐस अहुदे ते है। पर महाराज कहन लगे ये गल जान ला, जदों दुनिया छड के तुरना उस रिश्तेदार ने नाल कोई नहीं तुरना। भै रोवै गुणसार संभालै को मरै ना मोया नाले। भरा मर गया ना, भैन नूं पता लगा सहुरे बैठे नूं, भजी आई है दरवाजे तो बाहरों ही रोंदी आउंदी है, मेरा भरा मर गया, मेरे वास्ते मेरे पेकियां दा घर दरवाजा अज बंद हो गया, मेरे बच्चियां दे व्याह ते कौन जाके खड़ेगा। भैन रोंदी जरूर है, भै रोवै गुणसार संभालै, अपने भरा दे गुणां नूं चेते कर करके वैण पाउंदी है। पर महाराज कहन लगे को मरै ना मोया नाले, जदों मर के जाण वाला तुरन लगा कोई नाल नहीं मरिया, गुण ते उहदे बड़े चेते कीते, मरे दे नाल मरिया कोई नहीं। रिश्तेदारां नूं चेते करन वालिया रिश्तेदार ने नाल नहीं तुरना, मित्रां नूं चेते करन वालिया मित्र भी उन्ना चिर ने जिन्ना चिर तेरी जेब दे विच कुछ है, पर अंत वेले नाल नहीं हो जाने। जे चेते करना तो परमेशर नूं चेते कर, चेत गोबिंद आराधी है, चेतर दे महीने में जो गोबिंद नूं चेते कर, उन्हूं आराध होवै आनंद घणा, बहुता आनंद तैनू मिलेगा, इन्ना आनंद मिलेगा जिहड़ा कहा नहीं जा सकता है। संत जना मिल पाई है रसना नाम भणा। महाराज नूं पुछिया, महाराज नाम मिलदा कित्थों है, जपीदा किवें है? सतगुरु कहिंदे संत जना मिल, साधुआं दे नाल मिला, जिहड़ी संगत है ना जिथे आके बैठे जे, ये है संतां दी संगत, ये है गुरु दी संगत, ये है परमेशर दी संगत, इहदे विच बैठ के परमेशर दे नाम नूं जपेंगा, आए तिसह गणा ते फिर तू दुनिया ते आया होया। संत जना मिल पाई है रसना नाम भणा, साधुआं दी संगत विच बैठ के जुबान दे नाल नाम नूं जपिया कर। जिन पाया प्रभे अपना आए तिसह गणा, जिन्हें परमेशर नूं पाया दुनिया ते आया गिणिया ओह जाणा, साडे वर्गियां दी गिनती कोई नहीं है, असीं ते एवें दुनिया ते आए तो इतों चले जाना, एक दो पीढ़ियाँ साढ़े बच्चे याद रखे, उदों मगरों कोई पता नहीं है, दादा कौन सी, पड़दादा कौन सी, उदा दादा कौन सी, कोई नहीं पता किसी को, क्योंकि किसी लेखे जोखे विच नहीं ना आए। लेखे विच आए ने कबीर वर्गे, कबीर साहब का जन्म आज तो कई सौ साल पहला, कई सदियां पहला होया, पर दुनिया अज भी जानती है, क्यों? लेखे विच है। दसवें पातशाह महाराज ने पूछया सिखा नूं, कहन लगे जदों कबीर साहब दुनिया ते आए राजा कौन सी, सारे जाने एक दूजे दे मूँह वल वेखण लग पए। सतगुरु कहिंदे जिहड़ा राजा उदों आया उहदा किसे नूं नहीं पता, पर कबीर साहब कदों दुनिया ते आए सारिआं नूं पता, क्योंकि कबीर साहब गिनती च आए ना, भगती कीती, ते राजे ने भगती नहीं कीती। आम दुनिया नूं लोकी भुल जांदी है, साडी कोई गिनती नहीं, असीं कदों आए कदों चले जाणा, पर गिने ओ जानगे, गिनती विच उन्हां ने आउणा जिन्हां बंदगी कीती है। इक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जणा, जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां वास्ते एक छिण वी परमात्मा तो बिना कढ़ना, यह समझदे वी मेरा तो जन्म ही व्यर्थ चले गया। महान तपस्वी होए धन धन बाबा आनंद सिंह जी, कहन लगे एक दिन अमृत वेले उठे मंजे ते बैठे बंदगी करन वास्ते, मंजे ते बैठिया नूं नींद आउण लग पई, झोकां लगदियां, वार वार थल्ले नूं डिगदे, मन विच सोचिया अमृत वेला ते सुत्या ही लंघ जाणा। अपने घर दे मंजे तों उठे बाहर खेतां विच चले गया, खेत विच जा के खूह दी कंध उपर जा के बैठ गया, खूह दे विच लत्तां लमका लईआं, उपर चढ़ के बैठे भी डर रवे, जे नींद आवेगी तो डिगांगा, ये डर रवेगा तो फिर मैनूं नींद नहीं आएगी, मैं बंदगी कर लवांगा। तो कहन लगे जदों बैठे ना इधरों माँ बाप लभन लग पे, पुत्र किधर गया, लभद्या लभद्या बाबा जी के पिता चले गए, खेत वेख्या भी ये तो खूह की कंध ते बैठा है, जे डिग पिया तो मर जाएगा, बाह तो जाके झाटी फड़िया, कहन लगे पुत्र जे डिग पिया खूह दे विच तो मौत हो सकती है, सट्टां भी लग जाणगियां, इत्थे क्यों बैठा। तो जिन्हां नूं रब की बंदगी का स्वाद लगा ना, अगों जवाब दिता, कहन लगे पिता जी जे मंजे ते सौं के ही अमृत वेला कढ़ना तो उहदे नालों ते फिर खूह दे विच डिगे चंगे। ऐसे महापुरखां दी बंदगी नूं याद करके आखिए सतनाम,
जिन्हां नूं लगी है प्यास वह कहिंदे ने भी एक खिण भी परमात्मा तेरे बिना जीवना साडा औखा है। जल थल महियल पूरे आ रव्या विच वणा, परमात्मा मिट्टी विच आकाश विच पानी विच धरती विच सारिआं थावां ते समाया होया है। सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा, रब जिन्हां नूं चेते नहीं आउंदा उन्हां नूं किन्ने दुख मिलणगे वह गिणे नहीं जा सकणगे। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਮੂਹੀ ਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਗ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸਕਾ ਪਾਏ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਚੇਤਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ।